नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक राज खोलने वाला हूँ। जैसा कि कुछ लोग शंभू जी के ऊपर इंजाम लगा रहे थे कि उन्होंने 3 लाख रुपए का जो लंदन से आया चंदा खाया है, तो दोस्तों जिन लोगों को यह चंदा मिला है या नहीं मिला है, आज उनके परिवार की जीवनी सुनिए कि क्या हुआ था, चंदा मिला या नहीं मिला। तो वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही वो ये है कि भाई आजकल बहुजन समाज की पार्टियों का, जैसे कि वंचित बहुजन अघाड़ी हो या BSP का गठबंधन टूटती ही जा रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर VBA यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM का गठबंधन लगभग टूट ही गया है। MIM के औरंगाबाद से जो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज जलील जी, जो कि प्रेसिडेंट भी है महाराष्ट्र के MIM के, उन्होंने एक लेटर बना के भेजा है और इसमें लिखा है कि वो अपना गठबंधन VBA के साथ तोड़ते हैं क्योंकि वो उनको उनके मुताबिक सीटें नहीं दे रही है। VBA वो 24 सीटों की मांग कर रही है MIM, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर केवल उनको 8 सीटें दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। और दोस्तों अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी और जन नायक जनता पार्टी का भी गठबंधन हरियाणा में टूट चुका है, इस बात की पुष्टि खुद मायावती जी ने ट्वीट करके दी है। दोस्तों मायावती जी ने ट्वीट में लिखा है कि जन नायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी हमें हरियाणा में एक राष्ट्रीय पार्टी होने के तौर पर सम्मानजनक सीटें नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ जो अभी गठबंधन हमने किया है उसे तोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में BSP को 90 में से 40 सीटें दी थी। अब आप ही नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या यह सब सही हो रहा है, बहुजन समाज की पार्टी जिस तरीके से गठबंधन तोड़े जा रही है हर राज्य में, तो आप ही बताइए नीचे कमेंट करके। दोस्तों अगली अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 21 तारीख के रविदास आंदोलन में हमारे 96 साथी गिरफ्तार हुए थे, फिर 3 अक्टूबर को उनकी सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों 4 तारीख को फैसला आया था कि जितनी भी जो जमानत याचिका लगाई गई थी सभी की खारिज हो गई थी। उसमें 48 या 49 लोग थे, उन सभी की खारिज हो गई थी। उसमें दोस्तों कुछ लोगों का अपने संगठन को चमकाने का था, कुछ लोगों को अपनी पार्टी विशेष को चमकाने का था, इसीलिए ये सब धांधली हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों कोर्ट ने जो दूसरी डेट दी है 16, 17, 18 और 19, क्या बोलते हैं कोर्ट ने दोस्तों 96 लोगों को क्या बोलते 4 भागों में बांट दिया है, ये सब बता रहे हैं भीम आर्मी के वकील सुजीत सम्राट जी। तो आप उनकी ही मुंह से सुनिए। आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मेरी ड्यूटी है कि आपको बताना है, जो पेरेंट्स हैं और जो लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं उनको चिंता रहती है कि भी क्या हुआ। तो अभी 3-4 डेट लगी हुई है कोर्ट के अंदर। एक 16 तारीख की डेट लगी हुई है, एक 17 तारीख की डेट लगी हुई है 17/9/2019 की, एक 18/9/2019 की और एक 19/9/2019 की डेट लगी हुई है। 4 डेट में डिवाइड कर दिया लोगों को, क्योंकि इतने लोगों को लाने में, ले जाने में, कोर्ट में आने में बड़ी परेशानी थी। तो जज साहब ने 4 जगह डिवाइड कर दिया है कि 16 तारीख को कौन लोग आएंगे कोर्ट के अंदर, 17 तारीख को कौन लोग आएंगे कोर्ट के अंदर, 18 तारीख को कौन कौन। दोस्तों सुजीत सम्राट जी का आप लोग ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। उन्होंने सारी बातें क्लियर करी है कि किस तारीख को कौन से बंदे की कोर्ट में हेयरिंग होगी, तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो। दोस्तों आपको क्या पता है, इसरो ने चंद्रयान 2 भेजा था लेकिन वो फेल हो गया केवल 2 किलोमीटर के फासले से, 2.1 किलोमीटर के फासले से। इसका मुझे भाई बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भी एक साइंस का छात्र हूँ यार, तो यार दुख तो बनता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है जो इसरो है उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया था, हमारे देश की मीडिया की वजह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो इसका पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहते थे। भाई वो यार इसरो सेंटर पहुंच गए थे, इसको लेके शंभू कुमार जी ने कुछ कहा है तो आप लोग खुद ही देखिए। लेकिन जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट बनाया गया उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आज तक चैनल का, दीपक चौरसिया का या तमाम चैनल जिस तरह से जिन्होंने जिस तरह के वर्चुअल बनवाए, जिसको वर्चुअल बोलते हैं, और जो इसरो प्रमुख है उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की भी इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि उन्होंने किस तरह से पत्रकार को लेके गए, कैमरा को लेके गए, और किस तरह से उन्होंने पल पल का फुटेज खाया और खबर सारा फोकस हो गया है प्रधानमंत्री पर। तो सवाल उठता है कि अगर इस सफलता प्रधानमंत्री की तो सफलता भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है, लेकिन अगर विज्ञान की, साइंस की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने शानदार कोशिश की है, शानदार मेहनत की है। आपने देखा दोस्तों कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान के लोग किस किस टाइप की टैगलाइन चलाते हैं, जैसे कि अभी आपका स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा कि मोदी की मुट्ठी में होगा चांद, ABP न्यूज, आज तक जितने भी मीडिया संस्थान है सब भाई एक ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो आप इन मीडिया वालों के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके भाई अवश्य बताइएगा।
दोस्तों जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है एक बाबा की तरफ से। वैसे भी आजकल हमारे देश में बाबा लोगों की बहुत ज्यादा चल रही है। इन बाबा का नाम है चक्रपाणि महाराज। तो महाराज जी का कहना है कि देश में जो संविधान है उसको बदल देना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए। आरक्षण के कारण ब्राह्मण बनिए और जो वैश्य लोग हैं उनका शोषण हो रहा है। तो मतलब यार जोक मारने में ये बंदा तो एक्सपर्ट है, मतलब बहुत कर रहे जोक मारता भाई ये। और दोस्तों इसको एक बहुत अच्छा जवाब दिया है अरुण गौतम जो कि खुद भोजन यूट्यूबर है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। एक ऐसा संविधान है तो इस संविधान को बदलने की आवश्यकता है। वाह वाह, आपने ध्यान से सुना इन्होंने क्या कहा, संविधान को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कहा था ये धर्म ग्रंथ पढ़ के आए हुए हैं, इनको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर संविधान के बारे में इनको पता होता तो ये कभी नहीं कहते कि संविधान को बदलने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पे साफ साफ सीधी सीधी बातें कहना चाहूंगा कि जो इस देश में रह के और संविधान बदलने की बात करें, आप सोच सकते हैं उसको देशद्रोही कह सकते हैं, और देशद्रोहियों के लिए सम्मान से बातें करना बिल्कुल गलत है, जो भारत में रह के भारत के तिरंगे का सम्मान। दोस्तों सच में ये जो महाराज चक्रपाणि है ये देशद्रोही है, ये देश के संविधान को नहीं मानता, देश के संविधान को बदलने की मांग करता है, तो ये बंदा देशद्रोही है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, इसके नाम के आगे लिखो देशद्रोही, तो भाई मजा आ जाएगा यार मुझे तो फिर, और आपको मैं एक बहुत अच्छा हार्ट भी दूंगा उसके बाद। तो भाई अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं शंभू जी का जो ऊपर जो इंजाम लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि उन्होंने 3 लाख रुपए का चंदा खाया था, आज मैं जिन लोगों को ये चंदा मिला है उनके परिवार की जीवानी आपको सुनाऊंगा कि उनको मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो व्लॉग है क्या बोलते तथागत लाइव के अंजुल भैया का, जिन्होंने खुद उनके घर पर जाके पूछा है क्या उनको शंभू कुमार जी ने पैसे दिए या नहीं दिए। तो आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए। मित्तल के पिताजी हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे, अभी जो सरकार से पैसा आना था वो मिल गया था आपको? नहीं मिला। सरकार वाला पैसा नहीं मिला ना अभी? कोई नहीं। अच्छा, अभी एक उनको जानते हो आप, नेशनल दस्तक के शंभू? हाँ। बुध बिहार में बुलाकर आपको चेक दिया था उनने? हाँ जी, हाँ दिया था। कितने का चेक था? 30,000 का था। 30,000 का चेक था वो? निकला है पैसा? हाँ आ गया था ना। हाँ। बस यही बात पूछनी थी। सारे घर हो गया हमारे तीनों, डबरा वालों को भी मिला था, प्रियंका को, वो भी यहीं आके लिया था। हाँ, लिया था, इकट्ठा दिया था। तो ये देखिए, ये जो सबूत है ये बहुत बड़ा सबूत है, दीपक भाई जो एक्सपायर हुए थे। तो देखा दोस्तों आपने, सच का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। भाई काले गोरे में मैं भेद नहीं करता, लेकिन ये कहावत है इसलिए बोली कि भाई जो लोग झूठ बोलते हैं आप देख सकते हो उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। अंजुल भैया ने सभी परिवार के घर, सभी पे तो नहीं लेकिन जो भी ग्वालियर के थे 2-3 लोग, उनके घर पर जाकर बात करी है और उनके परिवार से पूछा है कि शंभू जी ने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, चेक दिया या नहीं दिया, आपको पैसे मिले या नहीं मिले। तो उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी है दोस्तों उनके परिवार ने कि उनको एक एक पैसा यानी कि 30,000 रुपए पूरे मिल गए थे। और दोस्तों 3 लाख रुपए का जो चंदा आया था इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 10 लोगों के बीच में तो 30,000 रुपए सभी को मिलेंगे। तो भाई अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो शंभू जी के ऊपर इंजाम लगा रहे थे, और जो भी अच्छा कमेंट करेगा शानदार वाला उसे एक बढ़िया वाला हार्ट भी मिलेगा। आप मेरी वीडियो के बारे में भी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।